हाय गाइस, वेलकम बैक टू हेलो ड्रीम वर्ल्ड। मैं हूं विजय और आज मैं आया हुआ था, वैसे तो आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। हाँ जी, कुरुक्षेत्र, वही स्थान जहां पर हुई थी महाभारत और वही जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने दिया था अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को कर लेना भाई प्रेस और बजा देना घंटी के साइन को। और ये आपके सामने ब्रह्म सरोवर का खूबसूरत नजारा। ब्रह्म सरोवर भारत के हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित एक सरोवर है। ब्रह्म सरोवर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह सृष्टि रचेता ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है। सूर्य ग्रहण के दौरान सरोवर के पवित्र जल में डुबकी लगाना हजारों अश्वमेध यज्ञ करने के पुण्य के बराबर माना जाता है। हिंदू मान्यताओं में इस सरोवर को अत्यंत पवित्र माना जाता है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर लाखों लोग ब्रह्म सरोवर में स्नान करते हैं। कई एकड़ में फैला हुआ यह तीर्थ वर्तमान में बहुत सुंदर एवं सुसज्जित बना दिया गया है। ब्रह्म सरोवर के चारों तरफ इस प्रकार के घाट बने हुए हैं और जो आप यह घाट देख रहे हैं इसे गांधारी घाट कहा जाता है। ब्रह्म सरोवर पर बनाए गए इन सभी चलचित्रों के माध्यम से महाभारत काल को प्रदर्शित किया गया है। महाभारत युद्ध में कर्ण 16वें व 17वें दिन कौरव सेना के सेनापति रहे। 17वें दिन अर्जुन के द्वारा मारे जाने पर उनकी पार्थिव देह पर कुंती का विलाप। जिंदगी में कितनी भी निराशा आपको घेर ले, कभी भी आप डीमोटिवेट मत होइएगा, आप हमेशा पॉजिटिव वे में ही सोचिएगा। सरोवर में स्नान करते हुए लोग ब्रह्म सरोवर पे बहुत ही खूबसूरत नजारा। आप सबके सामने श्री सर्वेश्वर महादेव मंदिर जो कि ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल साथ में ही स्थित है। और यह ठीक आप सबके सामने श्री सर्वेश्वर महादेव मंदिर में जाने का मार्ग। यह मंदिर जगत पिता भगवान शिव को समर्पित है और इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर ब्रह्म सरोवर के भीतर स्थित है, जहां एक छोटे से कंक्रीट के मेहराबदार पुल द्वारा पहुंचा जा सकता है। मंदिर का निर्माण कुछ हिस्सों में संगमरमर के साथ साथ बलुआ पत्थरों से किया गया है। परिसर से मंदिर के तीन प्रवेश द्वार हैं,
जिनमें प्रत्येक द्वार पर नक्काशीदार पुष्प डिजाइन है। इस मंदिर में भगवान हनुमान और भगवान गरुड़ के मंदिर हैं। सूर्यास्त के समय कृष्ण घाट से मंदिर का सबसे अच्छा दृश्य दिखाई देता है। डूबते सूरज का लाल सुनहरा रंग तालाब में प्रतिबिंबित होता है, जिससे पानी में मंदिर की छवि पवित्र दिखती है। कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध इस सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण बाबा श्रवणनाथ ने करवाया था। सर्वेश्वर महादेव मंदिर आगमनशील लोगों के लिए फोटो स्थल भी है। और ये मंदिर प्रांगण है। इस विशालकाय प्रतिमा में अर्जुन के रथ को प्रदर्शित किया गया है। इस प्रतिमा में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए हैं और इस रथ के छत्र पर विराजमान श्री हनुमान जी हैं। कौन का रथ है ये? अर्जुन का। अर्जुन का। और इसके ठीक बाद हम बढ़ चले ज्योतिसर की तरफ। ब्रह्म सरोवर से ज्योतिसर की दूरी 6 किलोमीटर की है। ब्रह्म सरोवर से ज्योतिसर के लिए आवाजाही के बहुत से विकल्प मौजूद हैं। ज्योतिसर हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। ज्योतिसर को ही गीता का जन्म स्थान कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने विराट स्वरूप धारण कर अर्जुन को अनंत संदेश दिया था। जो आप वट वृक्ष देख रहे हैं, इसी के नीचे श्री कृष्ण भगवान ने ज्योतिसर में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें मौजूद हूँ ज्योतिसर में। ज्योतिसर वह जगह है जहाँ गीता का जन्म स्थान पवित्र ज्योतिसर कुरुक्षेत्र का सबसे सम्मानित तीर्थ है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध ज्योतिसर से शुरू हुआ, जहां युद्ध की पूर्व संध्या पर अर्जुन को गीता के शासक भगवान श्री कृष्ण से अनंत संदेश मिला। ज्योतिसर से वापस आते समय नरकतारी गांव में स्थित है विषम कुंड। ज्योतिसर से नरकतारी की दूरी 4 किलोमीटर की है। नरकतारी में ही विषम पितामह ने अपने प्राण त्यागे। विषम पितामह को पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था, लिहाजा वे अर्जुन द्वारा बनाई गई बाणों की शैया पर ही लेटे रहे। युद्ध समाप्त होने के बाद जब सूर्य उत्तरायण हो गए, तब माघ मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को नरकतारी में ही भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे।
साथियों ये वही कुंड है। भीष्म पितामह ने जब जल पीने की इच्छा व्यक्त की तब उन्होंने कहा कि जिसने मुझे यह शरशय्या दी है वही मुझे जल पिलाए। तब अर्जुन ने गांडीव धनुष पर बाण चढ़ाकर धरती पर मारा जिससे जल धारा फूट पड़ी और इसी जल से भीष्म पितामह ने अपनी प्यास बुझाई। इसीलिए इसे भीष्म कुंड भी कहा जाता है। और हम फिर बढ़ चले नई मंजिल की ओर। श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर पुराण के अनुसार यहाँ पर स्वयं प्रजापति ब्रह्मा के द्वारा स्थानु शिव के लिंग की स्थापना की गई थी। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और कुरुक्षेत्र के प्राचीन मंदिरों में से एक है। मंदिर के सामने एक छोटा सा कुंड स्थित है जिसके बारे में पौराणिक संदर्भ अनुसार यह माना जाता है कि इसकी कुछ बूंदों से राजा वान का कुष्ठ रोग ठीक हो गया था। कहते हैं कि भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में पहली बार पूजा इसी स्थान पर हुई थी। श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर और ब्रह्म सरोवर के बीच की दूरी मात्र 2.5 किलोमीटर है। और फिर भोलेनाथ के दर्शन उपरांत मैं बढ़ चला नई मंजिल की ओर। फ्रेंड्स जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसे शेख चिल्ली का मकबरा कहा जाता है जो कुरुक्षेत्र में स्थित है। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में स्थित है। इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। शेख चिल्ली को मुगल राजकुमार दार शिकोह के आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाना जाता था। थानेश्वर महादेव मंदिर से शेख चिल्ली मकबरा की दूरी 600 मीटर है और ब्रह्म सरोवर से शेख चिल्ली मकबरा की दूरी 2 किलोमीटर है। और शेख चिल्ली मकबरे के ठीक पीछे राजा हर्षवर्धन का टीला है जो कि देखरेख ना होने के कारण जर्जर हो चला है। और इसके ठीक बाद मैं माता भद्रकाली मंदिर देखने के लिए निकल पड़ा और यह ठीक सामने श्री देवी को भद्रकाली शक्तिपीठ मंदिर का मुख्य द्वार। तो मेरे सामने आप देख सकते हैं माता भद्रकाली का भव्य मंदिर जो कि कुरुक्षेत्र में थानेसर में स्थित है। और आप सामने देख सकते हैं श्री देवी को भद्रकाली शक्तिपीठ मंदिर। इस मंदिर के संदर्भ में मान्यता है श्री देवी को भद्रकाली मंदिर भद्रकाली शक्तिपीठ में देवी सती का दाएं पैर का टखना घुटने के नीचे का भाग गिरा था। इसका महत्व तब और बढ़ जाता है जब इसमें श्री कृष्ण का जिक्र शामिल हो जाता है। कहा जाता है कि भद्रकाली शक्तिपीठ में श्री कृष्ण और बलराम का मुंडन हुआ था। पीपली मिनी जू की स्थापना 1989 में हुई थी। चिड़ियाघर में 25 एकड़ भूमि के क्षेत्र में जानवरों की विभिन्न प्रजातियां रहती हैं और धर्म की नगरी कुरुक्षेत्र के दर्शन करवाकर मैं बढ़ चला अपने नगर की ओर। आप भी कुरुक्षेत्र दर्शन के लिए बस और ट्रेन के माध्यम से पहुंच सकते हैं।